अंतिम ओवर में 15 रनों की जरूरत थी और अंतिम विकेट मैदान में था, लेकिन बल्लेबाज की बजाय गेंदबाज दबाव में था। जी हाँ, कुछ ऐसे ही थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी के पदार्पण से पहले भारतीय टीम अधिकतर बड़े मैच आखिर के 5 ओवर में हार जाया करती थी, और इस मिथक को तोड़ा महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने। धोनी एक ऐसी शख्सियत थे जो मैच हारने के बाद सबसे आगे खड़े होते थे और मैच जीतने के बाद सबसे पीछे। धोनी खेल के हिसाब से नहीं, बल्कि खेल धोनी के हिसाब से बदलता था। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय टीम को धोनी जैसा कप्तान, कीपर और फिनिशर कभी नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे धोनी द्वारा किए गए 4 बेहतरीन मैच फिनिशेस। मेरा पर्सनल फेवरेट नंबर 2 है। आप खुद देखें और डिसाइड करें कि सबसे बेहतरीन मैच फिनिश कौन सा था। नंबर 4, दरअसल साल 2013 में क्वींस पार्क ओवल में हो रहे त्रिकोणीय श्रृंखला का फाइनल खेला जा रहा था और भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 102 रन का टारगेट चेस कर रही थी। देखने में ये टारगेट बहुत ही छोटा लग रहा था, लेकिन पिच स्लो होने के कारण चेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, और चेस करने उतरी भारतीय टीम ने 139 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। 6वें नंबर पर सुरेश रैना का साथ देने आए महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन 3 ओवर बाद ही रैना भी आउट हो गए और जीत की जिम्मेदारी धोनी के कंधों पर आ पड़ी। उसके बाद खेलने आया कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। भारत के 9 विकेट गिर चुके थे और अंतिम बल्लेबाज ईशांत शर्मा के साथ धोनी क्रीज पर थे। श्रीलंकाई गेंदबाज शमिंडा इरंगा गेंदबाजी कर रहे थे और अंतिम 5 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत थी। धोनी ने ओवर की दूसरी गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया और गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। अगली ही गेंद पर धोनी ने बल्ले का हल्का सा मुंह खोला और कवर पॉइंट की तरफ एक चौका जड़कर मैच को भारत की मुट्ठी में कर लिया। अब 3 गेंदों में 5 रन की जरूरत थी और धोनी ने अगली गेंद पर कवर में छक्का मारकर मैच खत्म कर दिया। नंबर 3, श्रीलंका के खिलाफ हो रहे 7 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच हो रहा था और भारत को 299 रन चेस करने थे। ये वो दौर था जब 250 रन बनाकर टीमें आसानी से मैच जीत लिया करती थी और 300 रन बनाने वाली टीम एक तरफा मैच जीता करती थी। इस मैच से पहले दुनिया इस बात से अनजान थी कि क्रिकेट को एक ऐसा फिनिशर मिलने वाला है जो क्रिकेट के भविष्य को बदल कर रख देगा। इस मैच में सचिन तेंदुलकर के आउट होते ही कप्तान राहुल द्रविड़ ने एक जुआ खेला और नए नवेले महेंद्र सिंह धोनी को तीसरे नंबर पर खेलने के लिए भेज दिया। फिर धोनी ने जो पारी खेली वो आने वाली कई मैच विनिंग पारियों की शुरुआत भर थी। इस विस्फोटक पारी में धोनी ने श्रीलंका के महान स्विंग गेंदबाज चमिंडा वास को भी 2 छक्के मारे। खेल के दौरान धोनी का रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतरीन था और आखिर में उन्हें क्रैम्प्स भी आए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इस 183 रन की पारी में उन्होंने कुल 10 छक्के मारे और छक्के के साथ ही मैच खत्म किया। धोनी आगे चलकर भारत के लिए 200 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। ये 183 रन की पारी ओडीआई क्रिकेट इतिहास में एक विकेट कीपर द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। कहा जाता है धोनी जैसा फिनिशर और कर्ण जैसा धनुर्धर दुनिया में एक बार ही जन्म लेता है। नंबर 2, ये वाकया है साल 2006 का, जब महेंद्र सिंह धोनी ने लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ अपने बल्ले का धागा खोल दिया था। 292 रनों के टारगेट का पीछा कर रही भारतीय टीम के शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिर गए थे और टीम बैकफुट पर थी। खेल थोड़ा आगे बढ़ा और 34वें और 35वें ओवर में 2 और झटके लगने के बाद भारत की आधी टीम पवेलियन में थी और लगभग 100 रनों की जरूरत थी। फिर आए महेंद्र सिंह धोनी और उनके साथ थे युवराज सिंह। उस दौर में युवराज और धोनी के बारे में ये कहा जाता था कि मैच की स्थिति कैसी भी हो, अगर ये दोनों एक साथ क्रीज पर मौजूद हैं तो फियरलेस क्रिकेट ही खेलेंगे। इस मैच में भी कुछ वैसा ही हुआ। धोनी और युवराज ने 102 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर मैच को ख़त्म कर दिया, जिसमें से 52 रन धोनी ने सिर्फ चौकों और छक्कों से बनाए थे। ये साझेदारी सिर्फ एक शुरुआत थी और इसके बाद युवराज धोनी की जोड़ी ने भारत को कई नामुमकिन लगने वाले मैचेस जितवाए। नंबर 1, साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज का 4था मैच खेला जा रहा था और भारत 270 रन का टारगेट चेस कर रहा था।
गौतम गंभीर ने आउट होने से पहले शानदार शुरुआत देते हुए 92 रन बनाए और उनके आउट होते ही सुरेश रैना का साथ देने आए महेंद्र सिंह धोनी। भारत के तब 31 ओवरों में 174 रनों पर 4 विकेट गिर गए थे। धोनी ने 5वें विकेट के लिए रैना के साथ 61 रन जोड़े, वहीं 6ठे विकेट के लिए जडेजा के साथ 18 रन जोड़े। अब तक धोनी 44 रन बना चुके थे, जिसमें से उन्होंने सिर्फ एक चौका मारा था। दरअसल धोनी खेल को अंत तक ले जाने में विश्वास रखते थे और अंत तक ले जाकर धोनी ने भारत को बहुत सारे मैचेस जितवाए भी। अंतिम ओवर में जीत के लिए 13 रनों की ज़रूरत थी और स्ट्राइक पे थे रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने पहली गेंद पर बल्ला घुमाया लेकिन गेंद से कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन दूसरी गेंद पर धोनी को सिंगल देने में कामयाब रहे। 3 गेंदों में 12 रनों की ज़रूरत थी और स्ट्राइक पे थे विश्व के सबसे बेहतरीन फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी, और हमेशा की तरह दबाव धोनी पर नहीं गेंदबाज पर था। क्लाइंट मकॉय ने अगली गेंद लेंथ बॉल डाल दी और धोनी ने लॉन्ग ऑन पर 112 मीटर लंबा छक्का मार दिया, जो कि एडिलेड ओवल में मारा गया सबसे बड़ा छक्का है। अगली गेंद पर बॉलर इतने ज़्यादा प्रेशर में था कि उसने नो बॉल फेंक दी। इस गेंद पर भी धोनी ने 2 रन चुराए और अगली गेंद पर 3 रन बनाकर मैच ख़त्म कर दिया और भारत ये मैच 4 विकेट से जीत गया। महेंद्र सिंह धोनी के खेल और कप्तानी ने करोड़ों फैंस को मोटिवेट किया कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से धोनी भारत रत्न के हकदार हैं, और अगर आप धोनी के फैन हैं और आपको लगता है कि धोनी को भारत रत्न मिलना चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप राहुल द्रविड़ के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को देखें और आपको द्रविड़ के बारे में रोचक जानकारियां मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।